प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर वन का सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, करा अंक 0, 3 और 5 को दोहराए बिना इन तीन अंकों का उपयोग करके कितनी अलग अलग तीन अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मतलब हमसे कह रहा 0, 3 और 5 का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आप कितने नंबर बना सकते हो? तो देखिए, अब हमें दे रखा है 0 दे रखा 3 दे रखा और 5 दे रखा। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 यूनिट 10 100। अब आप हमें बताओ, क्या 100 प्लेस पे आप 0 का यूज कर सकते हो? तो आप कहेंगे नहीं, 100 प्लेस पे 0 का यूज नहीं हो सकता। तो आपके पास बची कितनी डिजिट है? 2। तो आप यहां पे 2 डिजिट का यूज कर सकते हो, ठीक। अब 3 में से आपने 1 डिजिट यहां पे यूज कर ली, तो आपके पास कितनी बची? 2 डिजिट। मतलब आप 10th प्लेस पे कितने डिजिट यूज कर सकते हो? 2। अब 3 में से 2 डिजिट यहां, मतलब 2 डिजिट यूज हो चुकी, अब बची आपके पास कितनी? 1। मतलब 1 डिजिट यहां। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 2 × 2 = 4। मतलब मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते हो? 4 बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 4। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर स्थान 0, 1, 4, 6, 7 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? हमसे प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है कि किसका प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा। देखो, ये क्या है? यूनिट प्लेस। ये क्या? 10। ये क्या? 100। ये क्या है? 1000। और ये क्या है? 10000। तो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू किसकी? 1 की। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर 20 लीटर दूध एक स्कूल में सभी छात्रों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था। यदि प्रत्येक को 1/4 लीटर दूध मिलता है तो स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है? अब मेरी बात समझना। अगर कह रहा है कि स्कूल में 20 लीटर दूध आता है और एक बच्चे को 1/4 लीटर दूध दिया जाता है, मतलब 1 लीटर में 4 बच्चों का काम चल जाता है, मतलब 1 लीटर 4 बच्चों के बीच बांटा जाता है। तो कह रहा है कि 20 लीटर दूध कितने में? तो हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 में कितना हो? 80। मतलब 80 बच्चों को दूध मिलेगा। ऑप्शन कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 1 और 50 के बीच कितने जुड़वा अभाज्य संख्या है? ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 2 का। तो देखो, सबसे पहले तो 3 और 5 है, फिर 5 और 7 है, 11 और 13 है, 17 और 19 है, 29 और 31 है, फिर 41 और 43 है। ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। देखो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2-2 का चल रहा है। कितने का चल रहा है? 2-2 का। तो कितने टोटल नंबर हुए? 6। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब हमसे कह रहा है प्रॉपर और इन प्रॉपर फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बात कर। कह रहा है कि ग्रेटर देन बोथ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आएगा वह प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों से बड़ा होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह प्रॉपर और इम्प्रॉपर से दोनों से छोटा होगा। तीसरा कह रहा है प्रॉपर से बड़ा होगा बट इम्प्रॉपर से छोटा होगा। और चौथा ऑप्शन का प्रॉपर से छोटा होगा, इम्प्रॉपर से बड़ा होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ ये 7/9 है, मल्टीप्लाई 9/7 करें, दोनों देखो
एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, क्रॉस इसे कैंसिल करो कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वन। जैसे मैं कहूँ ये 3/4 है और ये 4/3 है, देखो यहाँ से भी कैंसिल करो कितना आ गया, ठीक। अब देखो वन की अगर बात करें तो वन क्या होता है, अब यहां पे देखना वन 3/4 से बड़ा है, लेकिन 4/3 से क्या है, छोटा है, मतलब प्रॉपर से बड़ा होगा और इम्प्रॉपर से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन इम्प्रॉपर, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। 4 अंक की सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है, 9999, और सबसे छोटी डिजिट क्या होती है, 1000। इनका सम, ये 9 होगा, यहां भी 9 होगा, यहां होगा, 10999, ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखा की संख्या, मान लो ये कोई पॉइंट है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कहीं से भी खींच लो, चाहे जितना मन हो। तो अगर किसी एक पॉइंट से पूछे कि कितनी रेखा खींची जाए, तो आप बोलना इनफाइनाइट, और आपसे पूछे किसी दो पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती, कितनी लाइन ड्रा की जा सकती, तो केवल और केवल एक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, टी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। करा घन के प्रत्येक फलक का आकार क्या होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, क्यूब की फेस की बात करा। देखो अगर ये क्यूब है, अगर आपसे इसकी फेस पूछे तो फेस कैसी दिख रही है, स्क्वायर के शेप में। अगर यही क्यूबाइट होता तब आपको फेस कैसी दिखती, रेक्टेंगल के शेप में दिखती, किसमें दिखती, रेक्टेंगल के शेप में। लेकिन यहां पे क्या है, क्यूब है, इसकी फेस किसके शेप में दिखेगी, स्क्वायर के। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक समकोण को 2:2/3 भाग बराबर है, समकोण राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब 3 2 6, अब मैं 2 ऐड करो 8/3, इसे कैंसिल करो 30 बार, कितना 240, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक स्कूटर 1 महीने में 67 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर, 4 डेकामीटर, और दूसरे महीने में 48 किलोमीटर, 8 डेकामीटर, 7 मीटर यात्रा की। पहले महीने में उसने दूसरे महीने की तुलना में कितनी अधिक दूरी तय की, देखो यह 67 किलोमीटर है और 8 हेक्टोमीटर है और 4 डेकामीटर है, ठीक। कह रहा है कि 48 किलोमीटर, 8 डेकामीटर और 7 मीटर की बात कर रहा है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये किलो हेक्टो डेकामीटर, अब हमें मीटर तो पहले महीने में नहीं दे रखा है, तो हमें यहां से मीटर बनाना पड़ेगा। तो एक डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर। तो यहां हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा 10 मीटर, 10 में से 7 माइनस करें कितना होगा, 3 मीटर। अब यहां से आपने एक यहां दे चुके, तो यहां कितना, 3 डेकामीटर, और 3 डेका में से 8 डेकामीटर माइनस होगा नहीं, यहां से हम कैरी लेंगे, 13 में से 8 जाएगा 5 डेकामीटर, और यहां क्या हो जाएगा, 7 हेक्टोमीटर, और यहां हो जाएगा 19 किलोमीटर, ऑप्शन कौन सा, ए। 19 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर, 3 मीटर। बातें क्लियर है, आगे चलते। कह रहा एक स्कूल में छात्रों ने सुबह 10:10 में पढ़ाई शुरू की और 12:55 पर छुट्टी हो जाती है, अवकाश तक अध्ययन का समय, तो क्या करना, 12:55 से 10:10 माइनस कर दो, यह आ जाएगा 45, 2 घंटे 45 मिनट,
ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। कर चार समान वर्गों को एक साथ जोड़कर एक आयत बनाया गया। मान लो कोई ऐसा स्क्वायर है, इनको जोड़ के एक रेक्टेंगल बनाया गया। कर जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाई, तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप। अब अगर मैं टोटल 256 में से चार से डिवाइड कर दूं तो एक स्क्वायर के एरिया पता चल जाएगा। तो अब इसे डिवाइड करो कितना होगा, 64 64। मतलब एक स्क्वायर की एरिया 64 है। तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या, साइड इंटू साइड, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8। उसकी एक साइड पता चल गई कितनी आई, 8। अब हमसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता, 4 इंटू साइड। 4 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 32। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। का निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या है? देखो, एक में 3 ऐड हुआ 4, दो में नहीं 3 में 6 ऐड हुआ 9, 6 में 10 ऐड हुआ 16। अगर ध्यान से देखो तो ये 2 का स्क्वायर है, ये देखो 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, अगला किसका होगा, 5 का स्क्वायर। 5 मतलब 25, ये होगा 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं ये हो नहीं सकता 24 है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें हम देखते हैं, हमें पैटर्न ढूंढना है, तो पैटर्न देखो 10 और 15, मतलब ऑप्शन कौन सा, सी, ये भी नहीं होगा। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर टैली मार्क्स निरूपण में निम्नलिखित में से कौन सा नव अवलोकनों का सही प्रतिनिधित्व करता है? देखो, टैली मार्क में अगर हम जब कभी भी 4 तक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं, अब 4 से जब ज्यादा होता है तो 5 को ऐसे क्रॉस मारते हैं, फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, सॉरी। ठीक, तो मतलब 9 लिखने का सही टेलीग्राफ यही है। तो अब देख लो यहां पे कौन सा ऑप्शन, बी, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब 5 सम 10 प्राकृतिक संख्याएं चाहिए, देखो तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यही होंगे। तो देखो ये 20, यहाँ 20, ये 20, ये 20 और ये 20, तो ये 60 20 80 100 110। डिवाइड किससे करना है, 10 से, क्योंकि 10 नंबर कितना आ गया, 11। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।